हाँ जी गाइज, मैं हूँ आपका अपना एलविश यादव। और मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यू मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज नई वीडियो बनाने के लिए, नया व्लॉग बनाने के लिए, नया सुविचार देने के लिए। सुविचार तो मैं देता नहीं हूँ, आत्मराम तुकराम भिड़े नहीं हूँ मैं भिड़े। तो आज हमने व्लॉग बनाना है, तो इस वजह से मैं सुबह जल्दी उठ गया हूँ और नहा धो के हो गया हूँ फ्रेश। जैसे कि मेरे बाल गीले हैं, आपको पता चल रहा होगा, मैं नहा धो के फ्रेश हो गया हूँ और मुझे जाना है शिफ्ट में। तो शिफ्ट निपटा के आएंगे, फिर आपसे बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैं सच में नहाया हूँ, मेरे सिर्फ बाल गीले नहीं है, मेरी शक्ल भी साफ लग रही है आज। तो मैं आपको दिखाता हूँ दिल्ली में पॉल्यूशन कितना है, और ठंड बिल्कुल नहीं है, ठंड लग रही है, तभी मैं बिल्कुल अभी नहा धो के आया हूँ। तो मैं कपड़े वगैरह कुछ नहीं पहने, मैं अब व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ी भाई की बॉडी बन रही है, थोड़ा फिट होना शुरू कर रहा हूँ मैं। तो मैं बताता हूँ कुछ बातें, और हम कुछ बातें करते हैं। आप थंबनेल देख के आए हो इस वीडियो को देखने, तो आपको ज़्यादा बोर नहीं करेंगे और बताएंगे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होएगा, क्या क्या होना चाहिए। ओके, देखो गाइस कितना फॉग हो रहा है, मतलब फॉग क्या पोल्यूशन हो रहा है, बेकार है भाई, मैं तो टूट गया। चलो चलते हैं अब शिफ्ट में फटाफट। ओह ओह वाओ 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 वाओ, अमेजिंग 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 अमेजिंग। Later that same evening. मैंने अपने यंत्र निकाल लिए आपसे बातचीत करने के लिए, मुझे पता है इसकी आवश्यकता पड़ेगी, मतलब जरूरत पड़ेगी, ये बहुत टाइम से ऐसे ही पड़ा हुआ था। सस्ता सुस्ता हमारा प्यारा प्यारा माइक्रोफोन बोया का यूज़ कर रहा हूँ मैं, 1000 रुपये तक का मिल जाएगा ये आपको। बाकी बढ़िया है, यूज़फुल है, ठीक है, एक बेसिक स्टार्ट करने के लिए बहुत बढ़िया माइक है, आप भी यूज़ कर सकते हो। रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से, आप सजेशन है, रिकमेंडेशन है, आप यूज़ कर सकते हो, बहुत बढ़िया लगेगा आपको। मैं भी कर रहा हूँ, तो कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है, और मेरे को प्रमोशन मिलेगा भी नहीं इस चीज़ का इतनी जल्दी, क्योंकि आप लोग तो सब्सक्राइबर्स बढ़ा ही नहीं रहे हो, व्यूज़ दे ही नहीं रहे हो, तो कहाँ से प्रमोशन मिलेगा, पैसे है ही नहीं अपने पास भाई। एक ट्रिप प्लान कर रहा हूँ मैं, और ट्रिप प्लान के लिए ना पैसे नहीं हो पा रहे हैं, कैसे करो, आप लोग सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ा रहे, व्यूज़ नहीं दे रहे, मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा ज़िंदगी में, मैं पीछे होए जा रहा हूँ, पीछे होए जा रहा हूँ, पीछे होए जा रहा हूँ, व्हाट द हेल यार। कुछ नहीं, और कुछ और नहीं बोल सकता यार, ऐसा मेरे भाई लोग भी होते होंगे जितने यूट्यूबर्स, उनके घर वाले व्लॉग्स देखते होंगे, तो कैसे सोचते होंगे यार, क्या क्या बोलते हैं बच्चे, है ना, मैं भी उनमें से एक हूँ भाई, मैं कभी कुछ गलत बोल देता हूँ, मेरे पापा मेरे को फ़ोन करके कहते हैं तूने इसमें ये क्या बोला, या मम्मी बोलती तूने इसमें ये क्या बोला। नहीं तो अच्छा लगता है यार, आपके पेरेंट्स आपके व्लॉग देख रहे हैं, नहीं तो कितने लोगों ने यूट्यूब करियर ऐसे ही स्टार्ट किया था, मतलब घर से छुपा के, और आज कहाँ पहुँचे हैं। तो इंस्पिरेशन लेते हैं और स्टार्ट करते हैं दोबारा यूट्यूब व्लॉग को, और इस बार कंटिन्यू रहेंगे, आप व्यूज़ देते रहो, मैं मेहनत करते रहूँगा और व्लॉग लाते रहूँगा, आपके व्यूज़ और मेरी मेहनत, आपका प्यार और मेरी मेहनत, हम दोनों मिलके अपनी एक आर्मी बनाएंगे, निक आर्मी। आप करो तो सही सपोर्ट, मज़ा आएगा यार, स्वैग। चलो चले, कहाँ चलने वैसे ये बताओ। अरे यार मैं व्लॉग कर रहा हूँ, मैं तो भूल गया, मैं तो ऐसे ही मतलब ऐसे बात करता जैसे कि मेरे दोस्त। अरे तुम भाई हो यार, तुम जो मेरे व्लॉग देख रहे हो ना, तुम सब भाई हो। अब बहने मैं इसलिए नहीं बोलूँगा, क्या पता कुछ लड़कियाँ अनकम्फर्टेबल हो बहने मैं बोलूँ तो, या फिर कुछ लड़कियाँ बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल हो अगर मैं बहने बोलूँ तो इस वजह से मैं बोल नहीं रहा, लेकिन भाई तो भाई होते ना भाई, ब्रो गॉड, भाईचारा ऑन टॉप। चलो अब वीडियो बनाते हैं, और ये भी मैं डाल दूंगा क्लिप, कट नहीं करूँगा, करे। मैं शिफ्ट से आ गया हूँ फाइनली, और अभी अपने बात शुरू करते हैं, मैं थका हुआ हूँ थोड़ा, अभी मैं दोबारा ना के आया हूँ, क्योंकि मैंने
पहली वाली स्लाइड में मैंने देखा कि मैंने ये बताया कि मैं नहा धो के आया हूँ। फिर मैंने सोचा कि दोबारा क्लियर कर देता हूँ क्योंकि बाल गीले है ना, और मैं शैम्पू कर रहा हूँ क्योंकि मेरे दिल्ली आने के बाद है थोड़े बाल, जैसे डाउनफॉल होता है ना इंसान का, उसी तरीके से मेरे हेयर फॉल हो रहा है। मुझे पता है इस बात का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी सब कंट्रोवर्सी उठ रही है। मैंने भी देखा बहुत देर से देख रहा हूँ इस बारे में, मतलब मैंने कल रात को भी ये फॉलो अप लिया और परसों भी देखा, मैंने परसों आई गेस नहीं कल सुबह रील देखी मैंने, एल्विश यादव के ऊपर एक एलिगेशन है कि वो रेव पार्टीज करते हैं, वो ड्रग डील करते हैं, वो ड्रग्स लेते हैं और क्या क्या, मतलब बहुत सारे एलिगेशन है यार, वो भी बेफिजूल के। मतलब यार मुझे एक चीज़ बताओ, अगर हम यूट्यूब में आगे बढ़ रहे हैं एक मिडिल क्लास फैमिली से, ठीक है, कुछ लोग लोवेस्ट मिडिल क्लास भी होते हैं, कुछ लोग मिडिल क्लास भी होते हैं, फिर उससे ऊपर जो हायर मिडिल क्लास होते हैं, तो अगर हम एक स्टेज से ऊपर उठ रहे हैं तो आपको क्या लगता है हम ऐसी फैमिलीज से आते हैं, इतनी डिसेंट फैमिलीज से आते हैं कि हम लोग ये सब हरकतें कर सकते हैं? जितना पैसा कमा लेना हमारी हिम्मत नहीं होगी अपने पापा के खिलाफ हम चले जाएं, ठीक है, या हम ऐसे काम करें जिससे हमारे पापा मम्मी को बुरा लगे। देखो अब कुछ लोग कहेंगे कि अल्विश यादव की गर्लफ्रेंड है, फलाना है, ढमकाना है, भाई ये चीज़, ये दोनों चीज़ें अलग है, ठीक है। मतलब कुछ बच्चे जो व्यूअर्स होंगे वहीं गर्लफ्रेंड्स वगैरह ये सब चीज़ें, अबे इनसे ऊपर उठो यार। देखो गर्लफ्रेंड एक एज के बाद सबकी होती है, ठीक है, नॉट अ बिग डील, और जो ये वाली चीज़ है वो बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया है। कोई मेनका गांधी है मैं तो जानता भी नहीं, मैंने तो सुना भी नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा हाइप लेने के लिए उन्होंने एलिगेशन लगाया, क्योंकि उन्होंने एक वीडियो डाली है, मतलब एक फ़ोटो दिखाई है या एक उनकी रील, एल्विश यादव की एक रील का स्क्रीनशॉट है, वो 32 बोर सॉन्ग शूट करा था एल्विश यादव ने, क्योंकि मैं एल्विश यादव को बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ और उनके सारे व्लॉग्स देखता हूँ आज भी, इतना बिजी रहने के बाद भी, बल्कि मैं शिफ्ट में जाता हूँ और यूट्यूब वीडियोस भी बनाता हूँ, इंस्टाग्राम के लिए रील बनाता हूँ। हाँ इंस्टाग्राम पे जिसने फॉलो नहीं करा, मिस्टर शेफ 255ID का नाम है, फॉलो करो जाके, मैं वहाँ पे बहुत जल्दी अपडेट डालता हूँ क्योंकि मेरे उसमें भी फॉलोवर्स इतने ही हैं जितने सब्सक्राइबर्स हैं। तो आप आओ, मोस्ट वेलकम, आपसे वार्तालाप करेंगे पर्सन टू पर्सन, नॉट बीइंग अ यूट्यूबर, ओके। तो अब भाई मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली, मेरा एक कहते हैं ना पर्सनल पॉइंट POV मेरा ये है कि ये एक एलिगेशन है सख्त, जिसके खिलाफ एल्विश यादव ने भी एक वीडियो रील डाली थी कल कि भाई जो भी उस पर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है और ये सब वो नहीं करता है, और उसका UP पुलिस को, मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस को, प्रशासन को और पूरा सपोर्ट है, मतलब वो पूरा इन्वेस्टिगेट करवाएगा या करेगा भी, मतलब साथ देगा और अपना कहते हैं माननीय योगी जी जो CM है UP के, और उनसे भी उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि इसमें अच्छे से अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट करवाया जाए, क्योंकि ये सब बेबुनियाद है यार, बंदा कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, ठीक है। एल्विश यादव के पिताजी से इंटरव्यू किया गया न्यूज़ रिपोर्टर्स ने, भाई न्यूज़ रिपोर्टर्स तो पहुंच जाते हैं, आपको पता है उन्हें भी TRP चाहिए, ठीक है, हम भी कंटेंट बनाते हैं TRP के लिए बनाते हैं, लेकिन हम किसी का बुरा नहीं करते, हम किसी के बारे में बुरा नहीं छापते या बुरा नहीं बोलते वीडियोस में, हम किसी के बारे में बुरी स्टोरीज नहीं लगाते, हम कनेक्ट होके चलते हैं, हम YouTube कम्युनिटी के हैं अगर तो हम हर किसी को सपोर्ट करके चलते हैं। मैं भी इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, कॉन्टेंट बना रहा हूँ कि भाई हम में से हर जने को अपने YouTube कम्युनिटी के बंदे के लिए खड़ा होना चाहिए। अब वो बंदा बिग बॉस OTT Season 2 जीत के आया है, कुछ लोग मतलब लोगों से हजम नहीं हो रहा, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, तो हाजमोला खा लो सब, क्योंकि यार कोई बंदा मिडिल क्लास से होके अपने पैरों पे खड़े होके आगे बढ़ रहा है, अपनी जान पहचान ऐसी बना रहा है, ठीक है,
पुलिस से, पॉलिटिक्स से, हर जगह से, ठीक है, कि भाई अपने पे बल पे ही तो करा, माँ बाप के बल पे उसका, उसको कोई वो चांदी का चम्मच लेके तो पैदा हुआ नहीं ना, हम में से एक है, तो भाई उसको सपोर्ट करो, उस पर एलिगेशन लगा रहे हो, नेगेटिव पीआर कर रहे हो, व्हाट इज गोइंग ऑन यार। वो बंदा इतना कर रहा है, हिंदू हम सनातन का होके सनातनियों को सपोर्ट कर रहा है, कोई एक बंदा मुझे दिखा दो कि जो ऐसे खुले में सनातन को सपोर्ट करेगा, इतने नंबर ऑफ फॉलोअर्स लेके, इतने नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स लेके, कोई नहीं करता यार, लिटरली कोई नहीं करता। मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे एक एक दो बंदे गिनवा दो, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर वो करेंगे ना तो ऐसे ऐसी चीजें झेलनी पड़ती है भाई, वो बंदा झेल रहा है तब भी वो कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। जब स्टेज में जाओ ना, जब एलविश यादव स्टेज में जाता है तो लोग एलविश यादव नहीं बोलते, सबसे पहले जय श्री राम बोलते हैं, तो दिस इज दैट थिंग जो उसने चेंज करी है भाई इंडिया में, कहीं ना कहीं उसने भी सोशलाइज करी है चीजें। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि जय श्री राम बोलना उसी ने सिखाया, भैया जय श्री राम सबको बोलना आता था लेकिन खुले में लोग कोई बोलता नहीं था जय श्री राम, तो दिस इज कॉल्ड कि वो बंदा इतना कर रहा है। मैं उसको पर्टिकुलरली उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, उसके लिए वीडियो नहीं बना रहा, लेकिन आप ये सोचो ना कि आप पे एलिगेशन लग रहे हैं किसी चीज के, और आपके माँ बाप के पास, आपके माँ बाप बहुत सिंपल है, आपको हर चीज के बारे में पता है कि आजकल लाइफ में क्या हो रहा है और कितना ग्रेड बढ़ गया है क्राइम का या किसी भी चीज का, बट आपके माँ बाप इंडियन जो पेरेंट्स है वो बहुत सिंपल रहते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताओ ना, आप पे अगर एलिगेशंस लगेंगे, ठीक है, यूट्यूब में इतना पैसा कमाने के बाद या यूट्यूब में फेमस होने के बाद या सक्सेसफुल एक यूट्यूबर होने के बाद, तो आप कैसे डील करोगे उसे, कितना प्रेशर आ जाएगा माइंड में, भाई उस बंदे के पास टाइम नहीं है, वो घर नहीं जा पा रहा है, ठीक है, भले ही वो 5 स्टार होटल्स में रुक रहा है, 5 स्टार होटल्स में खा रहा है, आपको वो दिख रहा है, मर्सिडीज AMG चला रहा है, फॉर्चुनर लेजेंडर चला रहा है, पोर्श है उसके पास, ठीक है, कोठी बन रही है उसकी, आपको सब दिख रहा है, वो उसकी मेहनत नहीं दिख रही। अगर सपोज मैं भी कभी आगे बढ़ता हूँ तो आप तो मुझे भी रोक दोगे, मतलब इस देश में कोई आगे बढ़े ना, कोई पढ़ने की हिम्मत करे ना, क्योंकि यहाँ पे तो पीछे खींच लिया जाता है, पीछे रस्सी बांध के पीछे खींच लो आप, है ना, दिस इज रॉन्ग। आप लोगों को सुधारना चाहिए, अगर अपना भाई कोई आगे बढ़ रहा है, कोई अपना भारतीय भाई आगे बढ़ रहा है, तो उसको सपोर्ट करो पीछे से, ना कि उसको पीछे खींचो। मैंने देखा है बहुत लोग बोलते हैं एलविश यादव ऐसे, एलविश यादव ऐसे, भाई तुम्हारा क्या बिगाड़ किया किसी ने, मुझे एक चीज बताओ, बस तुम्हें पार्टियों की तो दिक्कत है कि मैं इस पार्टी से हूँ, मैं उस पार्टी से हूँ, मैं फलाना, भैया ये सब चीजें मत करो अभी, अभी ना एक साथ होके सपोर्ट की जरूरत है, बाकी केस चलेगा, इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी तो रिजल्ट सबके सामने आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि एलविश यादव पूरा सही है, मैं ये भी नहीं कह रहा एलविश यादव पूरा गलत है, लेकिन अगर अभी वो प्रॉब्लम में है तो हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए एज अ कम्युनिटी, भले ही रिजल्ट कुछ भी आए, और इतना हम सबको विश्वास होना चाहिए उस बंदे पे कि वो ऐसा नहीं करेगा। यार एक मिडिल क्लास, अगर मैं हूँ, मैं इतना फेमस होता, अगर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैं, तो मैं ये सब चीज़ें नहीं करूँगा भाई, मुझे अपनी फैमिली ज़्यादा प्यारी है, मुझसे तुम 5-10 लाख रुपए ले लो लेकिन मेरी फैमिली बख्श दो भाई, मैं ये सब चीज़ें नहीं करूँगा भाई। इंसान किसके लिए करता है ये सब, अपनी फैमिली के लिए करता है ना, कि मेरी फैमिली खुश रहे, मैं उनको ऐसी लाइफ दे पाऊँ लग्जूरियस, लेकिन लास्ट में क्या होता है इंडिया में, खींच लेते हैं नीचे कि भाई तू आके कैसे बढ़ा, क्योंकि यहाँ पे तो उन्हीं लोगों को आगे बढ़ना देना चाहते हैं जो साला चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं या सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, यहाँ पे जो खुद उठता है, खड़े होता है, भागता है, दौड़ता है, उसको तो गिरा देते हैं यहाँ पे, पॉलिटिक्स ज्यादा चलती है ना यहाँ पे, यही होता है। कल को मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पे कोई बोल देगा भाई यहाँ पे तो राइट है ही नहीं, राइट टू फ्रीडम है ही नहीं यहाँ पे, है ना, एग्जैक्टली भाई साहब थोड़ा चेंज करो, अपना POV चेंज करो, सोचने का तरीका चेंज करो, बहुत गलत राह पे जा रहे हो आप लोग, ठीक है, थोड़ा देखो चीजों को, संभालो कि किस तरीके से क्या चीज चल रही है, किसी को इतना टॉर्चर मत करो, मेंटली मेंटल पीस खराब मत करो। जो केस उस पे हुआ है, एलविश यादव पे जो केस हुआ,
हो गया, वो अपने आप निपट लेगा, वो उसकी पर्सनल लाइफ है, उसका कोई न्यूज का मुद्दा नहीं बनना चाहिए भाई। उसने अगर कुछ करा, अगर वो क्राइम सक्सेसफुली सामने आता है तो तुम न्यूज बना सकते हो। जब उसने कुछ करा नहीं, अभी तो कुछ क्लियर नहीं हुआ, वो बंदा फरार नहीं है, का इंडिया में है भाई वो बंदा। मैं आपको एक क्लिप भी डालूंगा कि वो वीडियो किस, मतलब जो फोटो है किस पॉइंट की, अभी आप वीडियो देखना आगे, लास्ट में मैं वो वीडियो डालूंगा कि किस चीज की है। वो जो कह रहे हैं ना कि सांप की तस्करी करते हैं, सांप का जहर बेचता है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, ऐसा कुछ कौन करेगा भाई। आप करोगे बींग अ यूट्यूबर, मैं करूंगा बींग अ यूट्यूबर, नहीं कतई ही नहीं। और शिव जी तो हमारे महादेव की शान है यार। नहीं यार, ये चीज़ देखो, कोई ऐसा नहीं है कि हम अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, बाकी रिजल्ट सबके सामने आ जाएगा, क्योंकि पहले जितने भी एलिगेशंस उस इंसान पे लगे थे, वो सारे आपको पता है ना क्या हुआ है, तो अब भी हो जाएगा। वेट एंड वॉच, 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 वेट एंड वॉच। मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना, और जो इंसान आंखें नहीं खोल रहा हो उसकी आंखें खोलने के लिए ये व्लॉग शेयर कर देना, और इतना शेयर कर देना कि एल्विश यादव तक तो ये व्लॉग पहुंच जाए, और बाकी उन लोगों तक भी पहुंच जाए जो गलत है, जो अगर ऐसा करते भी है ना वो ना करें। सबसे पहले अपनी फैमिली का सोचो यार कि उन पे क्या बीतेगा, ठीक है। किसी पे ना उंगली उठा, अगर आप एक उंगली उठाओगे ना तो आप पे तीन उंगलियां आपके ऊपर आएगी। ये देखो ऐसे, ये हमें स्कूल में पढ़ा दिया जाता है कि आप अगर एक उंगली किसी पे उठाओगे तो आप पे तीन उंगली आएगी, तो उंगली उठाने से पहले ना आप माफी मांग लो सबसे। भैया अगर राम राज्य चाहते हो ना तो राम जी के उसूलों पे चलो, राम जी जैसे बनो, राम जी तो कोई नहीं बन सकता, लेकिन राम जी जैसे अपने विचार बना तो सकते हो, बना सकते हो ना, भले ही कलयुग चल रहा है, लेकिन राम जी जैसा बनो, कोशिश करो। सच्चाई सबसे ऊपर होती है, झूठ का कोई, झूठ तो पकड़ा जाता है भाई, कभी भी पकड़ा जाता है। हमने भी बचपन में बहुत झूठ बोले, घर वालों से पिटे भी थे, लेकिन अब हम जब बड़े हो गए तब पता चलता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलो, जितना बोलो अच्छा बोलो। चलो मिलते हैं, जय श्री राम सबको, और ऐसे ही प्यारे प्यारे सपोर्ट करते रहो, कमेंट करते रहो अच्छे, और मेरे को मोटिवेट करते रहो कि मैं वीडियो बनाते रहूँ। मिलते हैं ब्लॉग में, ये ब्लॉग नहीं था, एक वीडियो थी जो मैं चाहता था मैं बनाऊँ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए और भी लोगों के लिए, और दूर तक पहुँचे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा। हरियाणे का छोरा बुला लिए तू जितने भी खेल बदमाश, तेरे गाड़ देंगे छह पीते जो भी जोड़ा हो रहा। हाँ जी गाइज, मैं हूँ आपका अपना एलविश यादव, और मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज़ फैल रही है मेरे खिलाफ, ऑल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखी है, एलविश यादव अरेस्ट हो गए, एलविश यादव नशीले पदार्थ के साथ साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए, ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं, 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी, 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और मीडिया से रिक्वेस्ट है, कृपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाए एलविश यादव अरेस्टेड, जो सारी चीज़ें आप लिख रहे हो, प्लीज़ मेरा नाम ख़राब ना करें, और ये जितने भी इल्ज़ाम लगे हैं इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक, 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर ये प्रूव होते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। हो चुकी है और मैंने कहा वीडियो वो जस्ट कंप्लीट करता हूँ, तो मैं जस्ट कंप्लीट कर रहा था, मैंने कहा एक छोटा सा क्लिप बाकी है तो वो रिकॉर्ड करने आया हुआ सब, मैं रोशनी में, रूम अंधेरा हो गया है, सब सो गए हैं। तो बात ऐसी है कि जो मैंने अभी रील डाली है ना,
वो 32 बार गाने की शूट के लिए है, जो एक आर्टिस्ट ने करी थी, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, और उन्होंने क्रू को बुलाया था। ये बात वीडियो में बोली है एल्विश यादव ने, उनका ब्लॉग भी आया है जिसमें उन्होंने सब चीजें बताई है। तो उसमें सारा क्रू आया था जिसमें जानवर वगैरह थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उनका इसमें कोई हाथ नहीं है, वो एज एन आर्टिस्ट गए थे उसमें, उन्होंने शूट किया और वापसी ना उन्होंने कुछ ऐसा करा कि जिसपे कोई FIR हो कुछ भी हो। बाकी तो केस चल रहा है, एलिगेशंस हो रहे हैं, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। वैसे तो हमें पूरा विश्वास है उस इंसान पे, एल्विश यादव पे, क्योंकि हम उसके फैंस भी है और हम एक तरीके से एक कम्युनिटी के भी है, तो इसलिए ट्रस्ट थोड़ा ज़्यादा है। बाकी देखते हैं क्या होता है, पुलिस अपना काम कर रही है और रिजल्ट आप सबके सामने आ जाएगा। लेकिन कोई भी नेगेटिविटी मत फैलाओ, किसी को भी डिफेम मत करो, क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं ना, हमें पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है, एक एक सब्सक्राइबर कैसे बढ़ता है दिन ब दिन, और जब वो कम होता है ना भाई, बहुत बुरा लगता है। जब खुद की गलती भी ना हो, कोई डिफेम मत करो किसी को भी, उस बंदे ने मेहनत करके आगे गया है वो, जैसे मैं जा रहा हूँ आगे, मतलब जितना भी आगे जा रहा हूँ लेकिन मेहनत कर रहा हूँ मैं, तो बाकी मेहनत सब कर रहे हैं, लेकिन किसी को डिफेम मत करो। अगर यही तुम कमा रहे हो और मैं तुम्हें डिफेम करूँ तो तुम्हें भी बुरा लगेगा, ऑब्वियसली बात है। तो दिस इज डोंट डू यार, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, पसंद आई तो शेयर कर देना, शेयर जरूर करना इस बार, और कमेंट में अपना बताओ, अपने मतलब आप बताओ, आपको क्या लगता है, आपको ये सब सुन के क्या लगता है, क्या होना चाहिए, क्या मैं सही हूँ क्या, तो आप बताओ क्या लगता है, मैं सही हूँ कि गलत हूँ। पॉजिटिविटी फैलाओ, नेगेटिविटी मत फैलाओ, किसी को डिफेम मत करो। वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आए तो, शेयर करना अगर बहुत अच्छी लगी हो तो, और कमेंट जरूर करना, और कमेंट में बहस करते आओ, कमेंट में लड़ते मैं बहुत फ्री हूँ, कमेंट में इस बारे में डिस्कस करते। बाकी सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बहुत लंबी हो गई है। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, बाय बाय बाय, भारत माता की जय।